71 साल में मैं देश को, हर एक नागरिक को, इंसान, हर आदमी को, आदमी से प्रार्थना करता हूँ कि आज़ादी हमें इतने आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हम एक साथ रहना चाहिए, और एक साथ रहेंगे तो ये आज़ादी हमें खुशी, आज़ादी में हमें खुशी मिलेगी, और खुशी से रहने के लिए हमें एक साथ रहना पड़ेगा। आपने पूछा कि अपने देश को स्वतंत्र मिलके 75 साल हुए हैं। मेरा जन्म मुझे आज 60 में ये साल हुआ है। जब से मुझे जानकारी है, मैं देख रहा हूँ अपना देश स्वतंत्र होने के बाद जिस युग पुरुष की हम राह देख रहे थे कि देश को चलाने वाला और देश को पूरे वर्ल्ड में अपना देश का नाम आगे लेने वाला, ले जाने वाला कोई कि ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका नाम इस देश में हर गली गली में, हर एक के मुंह में होना चाहिए। आपने ये भी कहा मुझे कि आप इस स्वतंत्र से 75 साल के बाद आप खुश है क्या? इस देश में जन्म लेने वाला हर आदमी खुश रहता है, लेकिन अब 75 साल में हमें इस देश का जो पंत प्रधान मिला है, नरेंद्र मोदी भाई, उन्होंने इस देश का नाम पूरे वर्ल्ड में अपना नाम, देश का नाम आगे किया है। नरेंद्र मोदी भाई के देखने के बाद लगता है कि हमारा पंत प्रधान जिस तरह चलता है, जिस तरह काम करता है, हर वक्त आदमी लोग से बातें करता है, मन की बातें करता है, हर बात, हर सुख दुख की बात करता है, गरीबों की बात करता है, अमीरों की भी बात करता है, सबको ले चलने वाला आदमी 75 साल के बाद हमें मिला है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आगे भी नरेंद्र मोदी जब तक साहब रहेंगे इस देश में, अपने देश का नाम आगे रहेगा ही, लेकिन उनके बाद भी ये देश का नाम आज आगे है, कल भी आगे रहेगा, और फ्यूचर में भी देश का नाम आगे रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।